हेलो एवरीवन, पिछले 3 वीडियो में मैंने NFSC के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी है उसको समअप करके आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से दोबारा से NFSC के पूरी जानकारी आप इन स्टेप से समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो हमने देखा था तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में UGC की ऑफिशियल वेबसाइट मेल करने के लिए और वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो वो सब आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले NFSC, जब हम नेट एग्ज़ाम पास होते हैं, नेट एग्ज़ाम पास हो गए तो उसके बाद लिस्ट आती है, लिस्ट में हमारा नाम नंबर होगा तो हमको फेलोशिप अलॉट हो चुकी है ऐसा मतलब होता है। उसके बाद हमको वेट करना होता है अवार्ड लेटर के लिए फ्रेंड्स, अवार्ड लेटर, और साथ में मिलता है हमको उस साल का गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है वो मिलते हैं। अवार्ड लेटर आने के बाद हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इस दौरान हमारा अगर से नेट के बाद PhD में एडमिशन है तो हमको अवार्ड लेटर अटैच करना पड़ेगा, या पहले हमको PhD के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। PhD में एडमिशन लेने के बाद हमको वहाँ अवार्ड लेटर ज्वाइनिंग जो फॉर्म है वो ज्वाइनिंग फॉर्म और जो भी वो इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया एनेक्सर फर्स्ट और सेकेंड वो दोनों ज्वाइन करके अवार्ड लेटर ले जाना है। ये हो गया, सबसे पहले अवार्ड लेटर आ गया, PhD में एडमिशन है। अब हम फेलोशिप पेमेंट अकाउंट में आने के लिए कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल जो है वहाँ हमको जाके हमारा बोले तो खुद को रजिस्टर करवाना होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में Part 3 में यहाँ कैसे स्टूडेंट ID कैसे फाइंड आउट करना और उसकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दिया है, जो NFSC मेरे चैनल पे जाके MS SET Commerce Marathi इस चैनल पे जाके NFSC की फेलोशिप में जो पार्ट थर्ड बोल के है वहाँ आपको डिटेल में मैंने आपको वो शेयर किया है फ्रेंड्स, तो आप वो देख लीजिएगा। फिर स्कॉलर पोर्टल पे हमको अकाउंट निकालने के बाद जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट वेरिफिकेशन फॉर्म जो है हमारा वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग फॉर्म जिसको एनेक्सर फर्स्ट बोलते हैं, एनेक्सर फर्स्ट वो वाला हमको स्कैन करके क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना है। कहाँ पे? जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल पे ऑनलाइन ज्वाइनिंग ऐसे बोल के है फ्रेंड्स, ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइन रिपोर्ट वहाँ हमको अपलोड करना है। हम अपलोड करने के बाद चेकर के पास जाएगा, हम पहले जाके अवार्ड लेटर चेकर को मेकर को देख कर आ चुके हैं तो वो क्या करेंगे, वहाँ से चेकर हमको अप्रूवल देंगे और फिर वहाँ से UGC बाद में हमको एक्सेप्टेंस देगी, बोले तो एक्सेप्ट करेगी, मीन्स बेनिफिशियरी फॉर्म, बेनिफिशियरी कोड देगी। तो बेनिफिशियरी कोड आने के बाद विद इन 15 मंथ्स हमको बाद में HRA कंटिन्यूएशन कंटीजेंसी वो सब वहाँ पे सबमिट करना होगा, HRA वगैरह, HRA जो भी हमारा कंटिन्यूएशन कंटीजेंसी है, तो वहाँ सबमिट करने के बाद वहाँ वो क्लिक करेंगे हमारे सब मंथ के आगे क्लिक करने के बाद हमको 1 से 15 तक वो करना होगा, बाद में 1 से 15 से 30 तक हमको पेमेंट आ जाएगा। तो अभी मैंने जो भी कुछ आपको बताया ये सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा अवार्ड लेटर। अगर से एडमिशन है तो तभी हमको PhD के लिए फेलोशिप मिल रही है, तो एडमिशन होना तो बहुत ज़रूरी है। अवार्ड लेटर, दूसरा जो वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग फॉर्म है, वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग फॉर्म वो अपलोड करना है कहाँ पे, कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल। तो यहाँ भी स्कॉलर पोर्टल है, यहाँ भी हमारा रजिस्ट्रेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ Student ID सर्च करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है Student ID, फाइंड स्टूडेंट ID ऐसा आता है,
तो वहाँ से स्टूडेंट आईडी सर्च करके आपका जो भी वहाँ प्रोसीजर है करके यहाँ अकाउंट बनवाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल क्रिएट करना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है और वहाँ अपलोड करना है हमको ये सर्टिफिकेट, एक एक सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट स्कैन करके यहाँ अपलोड करेंगे और वही सर्टिफिकेट मेकर चेकर वहाँ से यूनिवर्सिटी से सबमिट करेंगे। फिर तीसरा आता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से जो पेमेंट शेड्यूल्ड है वहाँ अंडरटेकिंग हमारे एनएफएससी वालों के लिए अंडरटेकिंग देना होता है 6 मंथ के लिए, तो अंडरटेकिंग फिलअप करना है। गाइड वहाँ गाइड किए या हेड की, इंस्टीट्यूशन वालों की, चेकर की, मेकर की, जो भी वहाँ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पूछा है उनके साइन के साथ इसको भी स्कैन करना है और हमारे पोर्टल से, हमारे प्रोफाइल से अंडरटेकिंग पेमेंट शेड्यूल में जाके जो पेमेंट कन्फर्मेशन है वहाँ से कन्फर्मेशन वहाँ हमको ये 6 मंथ के लिए अपलोड करना होता है। तो ये तीनों बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ही मंथली या 6 मंथली वो अप्रूवल मिलेगा मंथ के आगे, उसके बाद जनरेटेड होगा, जनरेटेड आफ्टर 15, और उसके बाद फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल, ऐसे हमको आइकन्स दिखेंगे। तो ये तीन ही बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अवार्ड लेटर, ये अवार्ड लेटर आ गया बाद में, वेरिफिकेशन कम जॉइनिंग फॉर्म जो है यहाँ से ही अपलोड करना है, स्कॉलर भी अपलोड करेगा उसको और वहाँ से मेकर चेकर भी अपलोड करेंगे, स्टूडेंट लिंक करना होगा। और इसमें और इम्पॉर्टेंट, अगर 1 साल से ज़्यादा आपका हो चुका है एडमिशन लेने के लिए, डिले हो चुका है पेमेंट के लिए, तो आपको यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन करना है, एक्सेप्शन प्रोसीजर करना है। और अगर से बेनिफिशरी कोड नहीं मिला होगा तो चेकर मेकर को स्टूडेंट का जो वहाँ से यूजीसी ने रिजेक्ट क्यों किया वो स्टूडेंट का प्रोफाइल चेक करना करके तुमको वो बता सकते हैं। तो वो एक्सेप्शन वगैरह वो चेक करते रहना है, बाद में अंडरटेकिंग यहाँ से अपलोड करना है। ये तीन जो इम्पोर्टेंट आइकन्स आ चुके हैं स्कॉलर कॉर्नर पे, मैं इसके रिगार्डिंग आपको समरी में समअप करके अभी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग आपको और कोई अड़चन है, कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो कोई मेरा सिर्फ इतना मकसद था फ्रेंड्स कि मैंने 3 मंथ्स मैंने सफ़र किया है इस प्रोसीजर में, तो ये सफरिंग आपसे ना हो। और आपको मेरी तरफ से एक छोटी सी भी जानकारी अगर से मिलती है तो ये सब प्रोसीजर से जाके जो भी मुझे एक्सपीरियंस आया है वो वर्थ है, ऐसे मैं समझूंगी। मैं और किसी को तो हेल्प करने लायक हूँ क्योंकि मैंने खुद ये सब सारी चीज़ें फेस की है। इस वजह से मेरा इतना ही है कंसर्न कि ये सारी चीज़ें आपको मेरे तरफ से पता चले। तो आपको कोई भी परेशानी है, ये जो प्रोसीजर है जेआरएफ वालों के, एनएफएससी के लिए, एनएफओबीसी के लिए, एमएनएफ, बाकी और कोई फेलोशिप है इनके लिए यही सेम प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स। तो मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। अगर से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल से जुड़ के रहना। धन्यवाद।